देर रात वीरवार को शिमला के परिमहल से मंडी जोनल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड टीकाकरण वाहन के माध्यम से पहुंच गई। मंडी को कोरोना वैक्सीन की 7200 डोज भेजी गई हैं। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने अपनी टीम सहित वैक्सीन वाहन का स्वागत किया और अन्य बिलासपुर, कुल्लू और लाहौल और स्पीति जिला के लिए वैक्सीन भेज दी गई है। वही मंडी जिला के अंतर्गत जोनल अस्पताल, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नेरचौक, सिविल अस्पताल सुंदरनगर और सिविल अस्पताल करसोग के लिए कोरोना वैक्सीन भेज दी जाएगी। बता दें कि 16 जनवरी को प्रदेश के डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर्स को टीका लगेगा। वैक्सीन का टीका लगने के 4-6 हफ्ते के बीच दूसरी खुराक दी जाएगी। इस वैश्विक महामारी कोरोना में हिमाचल सरकार द्वारा अपने नागरिकों को अभी तक विभिन्न प्रकार की प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज दी गई। प्रिवेंटिव सर्विसेज में आज हमारे यहाँ पर एक और अध्याय जुड़ चुका है कोरोना वैक्सीन के यहाँ पहुँचने पर। भारत सरकार के प्रयासों द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का आविष्कार किया है, जिसकी पहली खेप आज सुबह पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची, वहां से शिमला परिमहल में जो हमारे प्रदेश का स्टेट वैक्सीन स्टोर है वहां पर पहुंची और उसके बाद शाम को 7:30 बजे वहां से जो मंडी में रीजनल वैक्सीन स्टोर है वहां पर पहुंच गई। यहाँ पर जो वैक्सीन पहुंची है ये 4 जिलों को भेजी गई है, जिसमें कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, कुल्लू, बिलासपुर और साथ में हमारा मंडी जिला है। लाहौल स्पीति, कुल्लू और बिलासपुर से जो रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं वो यहाँ पर समय रहते 11 बजे पहुंच चुकी थी और अब जैसे ही ये हमारे पास यहाँ पर वैक्सीन पहुंची है, इसको सबसे पहले हमने यहाँ पर रिसीव करके मैं स्वयं और हमारे जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और जो हमारे दूसरा सपोर्ट स्टाफ है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। और अभी हमने जो लाहौल स्पीति, कुल्लू और बिलासपुर का जो सप्लाई थी वो इनको हैंडओवर कर दी है और जो निर्धारित टाइमलाइन 1 बजे की है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।